में है लगातार देवरिया की अलग अलग विधानसभा सीटों पर हम जा करके ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इस बार लड़ाई कितनी अहम है और किनके बीच ज्यादा दिखाई दे रही है। फिलहाल इस वक्त मैं रामपुर कारखाना विधानसभा सीट पर हूं और यहां से सुरेंद्र चौरसिया साहब को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। चौरसिया साहब जब से प्रत्याशी बने हैं उसके पहले से ही वो जनता के बीच जाते रहे हैं और जब से प्रत्याशी उन्हें बनाया गया उसके बाद भी लगातार जनता के बीच जाते रहे। आज भी वो जनसंपर्क कर रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, क्योंकि आने वाले कुछ ही दिनों में यहाँ पर वोटिंग होनी है और अब आखिरी जो तैयारी है उस तैयारी में सुरेंद्र जी लगे हुए हैं हमारे साथ, वो मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका प्राइम टीवी पर। मैं आपसे सबसे पहले पूछना चाह रहा था कि अब क्या आगे की रणनीति है, क्योंकि प्रचार भी लगभग थमने वाला है, वोटिंग होने वाली है, किन किन मुद्दों पर आप जनता के बीच गए हैं, क्या क्या आपने बताया है, 5 साल केंद्र के, 7 साल, इन सारे कामों को आपने गिनाया है, बताया है, जनता का क्या मूड दिखा? जनता फिर एक बार उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने जा रही है। अच्छा। और रामपुर कारखाना हम 1 लाख से अधिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। अच्छा। आपके विपक्षियों से भी मेरी मुलाकात हुई है, गजला जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उनसे मुलाकात हुई है, उनसे बात करने के दौरान उन्होंने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि बीते 5 साल में इस विधानसभा में कोई भी काम नहीं हुआ, सड़क पे कोई काम नहीं हुआ, सड़कें नहीं बनाई गई, स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल थी, स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए सरकार ने कुछ नहीं किया, किसान परेशान है, गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हुआ, कई सारी बातें उन्होंने बोली हैं। इन बातों को कितना सही माना जाए, अगर सही है तो आपकी रणनीति और आपकी चुनौती क्या है? देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार और हमारी देश की सरकार ने जो कार्य किया है ये कोई सरकार नहीं की थी। सड़कों का जाल हमारी विधानसभा में, हमारी प्रदेश में बिछी हुई है। आप अभी जिस सड़क से चल के आए होंगे ये सड़क भारतीय जनता पार्टी की देन है। अभी आप लाहिल पार से जो करौदी मार्ग जा रहे हैं 2 लेन की, भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसकी पहले की जो सरकारें रही हैं उसने इस विधानसभा को गर्त में डाल दिया था। अच्छा। अभी जब आप स्वास्थ्य की बात करेंगे तो देवरिया में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की देन है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में चाहे वो सड़कों का क्षेत्र हो, बिजली के क्षेत्र में, बिजली का आप अभी जो दशा देख रहे हैं, बिजली कब आती थी और कब नहीं चली जाती थी कोई जान भी नहीं पाता था। आज ये पूछिए लोगों से, लोग अपने घरों में जाते हैं तो बिजली के लाइट में लोग के इन्वर्टर कभी डिस्चार्ज नहीं हो पाते, ये हमारी सरकार की देन है। अच्छा। जिन गांव में कभी बिजली नहीं पहुंचे थे वहाँ हमारी सरकार ने बिजली पहुंचाया है। तो जो समाजवादी लोग, जो समाजवादी के गुंडे लोग, जो भ्रष्टाचार और गुंडा राज का तांडव मचाए हुए थे, उनका अंत हो रहा है और इसीलिए वो लोग अपनी मनोदशा खराब उनकी हो गई है, वे लोग क्या बोल रहे हैं ये समझ नहीं पा रहे हैं। अभी महुआनी चौराहे पर उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, जितने 7 विधानसभा के लोग मिला के उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को सुनने आए थे उनके 4 गुना लोग केवल हमारी विधानसभा से मोदी जी को सुनने गए थे। अच्छा। ये हमारी लोकप्रियता है। अच्छा, लोकप्रियता की बात हो गई और गुंडे वाली बात भी हो गई। अभी खबर सुनने में आ रही कि यही बगल में कुशीनगर में जहाँ से फाजिल नगर से स्वामी प्रसाद मौर्य प्रत्याशी है उनके ऊपर हमला हो गया और वो कह रहे हैं कि बीजेपी के प्रत्याशी जो है उन्होंने हमला कराया है। ये सब नाटक है। अभी समाजवादी पार्टी के गुंडे लोग मनोज तिवारी के ऊपर हमला किए थे, अभी देवरिया का ये जीता जागरण उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी के लोग राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग होते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग संस्कारी होते हैं और ये मुझे नहीं बताना है, ये विधानसभा के लोग जान रहे हैं, इस प्रदेश के लोग जान रहे हैं कि गुंडा राज किसकी सरकार में होता है और गुंडों का सफाया किसकी सरकार में होता है। अखिलेश यादव लगातार उत्तर प्रदेश के अब पूरब में है, पहले पश्चिम में उन्होंने अपनी बस चलाई थी, अब वो पूरब में बस चला रहे, गोरखपुर भी आए थे, यहाँ भी आए थे, लैपटॉप मोबाइल टैबलेट इनकी बात उन्होंने कही है, उन्होंने अमित शाह जी के बयान इंटर वाले पे भी तंद कसा है और वो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। तो क्या 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे पाना आम बात है या सिर्फ एक वादा है जो वादा बन के रह जाएगा? जो व्यक्ति 5 साल पहले 10 घंटे इस प्रदेश को बिजली न दे पाता हो, जो व्यक्ति ट्रांसफार्मर जल जाने पे गांव के लोगों को चंदा इकट्ठा करके ट्रांसफार्मर बदलवाना पड़ता हो, तो कैसे हम विश्वास कर लें कि वो 300 यूनिट बिजली फ्री दे सकते हैं? हमारी सरकार को देखिए, जिसकी दृढ़ संकल्प है, जिसने जिन गांवों में, जिन मजरों में कभी बिजली नहीं पहुंची थी हमारी सरकार ने पहुंचाया। आज 20 घंटे हमारी सरकार बिजली दे रही है, अभी हमारी सरकार सिंचाई फ्री करने जा रही है, सिंचाई की बिजली। तो हमारे कथनी और करनी में अंतर नहीं है, वो केवल बोल रहे हैं, लुभावना वादा कर रहे हैं, हमारी सरकार उसको करके दिखा रही है। अच्छा, सिंचाई से बात हुई तो ये भी कहा जा रहा है कि किसान रात भर बैठा हुआ है खेत में, जानवरों से अपनी फसलों को बचा रहा है। ये कोई नई बात नहीं है, फसलों की जो बात है हमारी सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है, जगह जगह गौशाला खोले जा रहे हैं, जगह जगह आवारा पशुओं को हमारी सरकार व्यवस्था करे। क्या इसके पहले भी कभी गौशाला खुले थे आवारा पशुओं के लिए? पहली बार ऐसा हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार किसानों के प्रति संवेदनशील है, किसानों के प्रति संवेदनशील है और गांव-गांव में
हर दो चार पांच गांव पे गौशाला खोल के आवारा पशुओं के रहने की व्यवस्था हो रही है। चीनी मिल को लेकर भी बोला जा रहा है कि यहाँ पर चीनी मिलें हुआ करती थी एक समय पे, लेकिन आज के समय पे चीनी मिलें पर सही तरीके से कोई भी काम नहीं हो रहा है, गन्ना किसान परेशान। आपने बहुत ऊंचा सवाल उठाया है। सर मैंने नहीं उठाया, ये आपके विपक्षी जो है वो उठा। नहीं, ये सवाल विपक्षी लोग उठाए तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये चीनी का कटोरा कहे जाने वाले जिले में यदि मिल बेचने का काम किसी ने किया तो वो समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने किया। हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में दर्जनों नई चीनी मिलें लगाई है और आने वाले समय में आप विश्वास करिए 2022 के बाद रामपुर कारखाना में भी एक या तो नया चीनी मिल लगेगा या जीर्णोद्धार होगा। नतीजे क्या होंगे, क्योंकि समाजवादी पार्टी कह रही है कि हम 351 सीट जीत रहे हैं, 50 सीट उन लोगों ने आप लोगों के लिए छोड़ी है। समाजवादी पार्टी इस बार और भी बुरी तरह चुनाव हारने जा रही है। 300 प्लस सीटें जीतकर हम उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने जा रहे हैं। धन्यवाद बात करने के लिए। तो ये सुरेंद्र कुशवाहा साहब जिनका साफ तौर पर कहना है कि एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, क्योंकि लगातार जनता का जो जन समर्थन है वो हमें मिल रहा है और इस बार भी हम उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएंगे। फिलहाल लड़ाई बहुत ही टफ है यहाँ से समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच, देखना ये होगा कि नतीजे क्या होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि आज प्रचार थम जाने के बाद 2 दिन बाद यहाँ पर वोटिंग होगी और वोटिंग के बाद जो नतीजे आएंगे वो क्या होते हैं कैसे होते हैं देखना है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ मैं नितिन पांडे। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।